मतलब बिलासपुर ले मिली जी हाँ एक दुखद खबर, दुर्घटना के खबर मिली, हादसा के खबर बता दें कि बिहनिया स्कूल के दीवार गिरे से कक्षा दूसरी के छात्रा के दर्दनाक मौत हो गई है। घटना बिलासपुर के भतराई के गीतांजलि सिटी फेस टू के है। जी हाँ, निर्मल ज्ञानोदय पब्लिक स्कूल में जो बाथरूम के दीवार नहीं थे ऊपर गिरे से नोनी के दर्दनाक मौत हो गए, दूसरी कक्षा के छात्र के। बता दें कि अटल आवास निवासी वैशालू साहू 7 वर्ष के, जेकर पिता टोकेश्वर साहू है, दूसरी कक्षा में पढ़त रही से। निर्मल ज्ञानोदय पब्लिक स्कूल के घटना बता दें कि रोज के जैसे वह बिहनिया स्कूल गई से करीब 11 बजे वैशाली है स्कूल के बाथरूम कटी गई, तभी बाथरूम के दीवार भरभरा के गिर गए। हादसा में वैशाली के मुड़ी में गंभीर चोट आ रही से, जेकर बाद आनंद फानन ओला अस्पताल ले गई और अस्पताल में ओला मृत घोषित कर दी गई। तो एक दुखद घटना बिलासपुर ले आज हम लोग देखे ला मिली से, जहाँ दूसरी कक्षा के छात्र के स्कूल के जो बाथरूम है ओकर दीवार गिरे से अचानक भरभरा के दीवार गिर गई और दीवार गिरे से ओकर मुड़ी में गंभीर चोट आई और ओला अस्पताल इलाज पर और आनंद फानन में ले जाए गई, जहाँ ओकर मौत हो गई। पुलिस मामला के जाँच में जुट गए। बता दें कि एक घटना के बाद स्कूल में हड़कंप मच गई से। हादसा के बाद गुस्साए पिता स्कूल प्रबंधन ऊपर लापरवाही बरते के आरोप लगाते हुए नाराजगी जाहिर करी। उन्हें संचालक के खिलाफ अपराध दर्ज करे के संग मुआवजा राशि देने के भी मांग करी। पूरा घटना सरकंडा थाना क्षेत्र के है। बता दें सरकंडा थाना क्षेत्र के बहतराई के घटना, छात्रा वैशाली के पिता टोकेश्वर टेंट हाउस के व्यवसाय करते काम करते वो बताई कि स्कूल के बाथरूम के दीवार जर्जर हो गई से। एक पहले भी स्कूल प्रबंधन ला बाथरूम के दीवार ठीक कराए कहे गई से, लेकिन प्रबंधन कति ले कोनो नहीं ध्यान नहीं दे गई। वही ये हादसा आज घट गए और 2 वर्ष के छात्रा मासूम वैशाली के दर्दनाक मौत हो गए। तो अभी दे रहे छोटकुल ब्रेक, लेके के ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ के फिर बड़े खबर में आपन से गोटपात करबो, आपन के अपडेट देबो जो आज दिन भर के जो बड़े खबर है। अभी रुकत है छोटकुल ब्रेक के बाद।